गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, तो बच्चों आप सभी अभी दूसरी कक्षा में हो, हाँ, और हमारा पीरियड है हिंदी का, जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, हाँ। तो आज हम कुछ अच्छा और नया सीखेंगे। तो बच्चों आज हम क्या सीखने वाले हैं आपको मालूम है? हाँ, एक ही मात्रा की आज हम पहचान करने वाले हैं। तो बच्चों ये देखो, यह है हमारी एक ही मात्रा, हाँ, एक ही ऊपर सिर्फ एक ही मात्रा आती है, हाँ, तो ये एक ही मात्रा है, यानी कि ये एक ही मात्रा आती है, ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है? हाँ, तो बच्चों यदि आप आपकी किताबें देखेंगे, आपके पास ये किताब है, सबके पास है ना, रोली हिंदी पाठमाला भाग एक, ये किताब आपके पास है ना, तो उसमें से पेज नंबर 45 देखो, ठीक है? तो इस पे आपको दिखाई देगा पाठ आठवा ए, और यहाँ पे मात्रा दिखाई है ना। हाँ, तो बच्चों देखो, चित्र देखो और पढ़ो। तो पहला चित्र कौन सा है? एक, एक यानी कि वन। तो एक इस शब्द में पहला अक्षर कौन सा है? ए, ठीक है? उसके बाद एडी, एडी आपको मालूम है पैरों में होती है, हाँ, हमने पहली कक्षा में ये सीखा था, है ना, हाँ। तो ये एडी इस शब्द की शुरुआत भी ए से होती है, ठीक है? उसके बाद ये कौन है? हाँ, ये है शेर। तो शेर शब्द में एक ही मात्रा लगाई हुई है, श को एक ही मात्रा लगाई हुई है, और उसके बाद लिखा हुआ है र वर्ण, तो ये शेर बन गया शब्द, ठीक है? और उसके बाद कौन सा चित्र है? बहुत ही मीठी होती है और आपको बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए, रसीली होती है ना, हाँ। तो यह चित्र है जलेबी का। तो जलेबी इस शब्द में भी ल के ऊपर एक ही मात्रा लगाई हुई है, और ये जो एक ही मात्रा है वो ऊपर लगाई जाती है, वर्णों के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो अभी आपको आपके जो आपके पास इस तरह से नोटबुक है, सबके पास है ना, हाँ, तो इसमें आपको सभी वर्णों को क्या करना है? एक ही मात्रा लगानी है, इस प्रकार। ये देखो मैंने आपके लिए लिखी हुई है, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यदि हम क को एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा के, ख को एक ही मात्रा लगाने के बाद ये बन जाएगा खे, ग को एक ही मात्रा लगाने के बाद ये बन जाएगा गे, घ को एक ही मात्रा लगाने के बाद ये बन जाएगा घे, च को एक ही मात्रा लगाने के बाद चे, यानी कि हमें इन वर्णों को क्या किया है? एक ही मात्रा लगाई है, एक ही मात्रा, ठीक है? तो अभी आपका होमवर्क क्या है? हाँ, आपका होमवर्क है छ से लेकर ज्ञ तक एक ही मात्रा लगाओ। फिर एक बार देखो, छ से ज्ञ तक एक ही मात्रा लगाओ। तो एक ही मात्रा लगाना बहुत ही आसान है, और मेरे सब बच्चे किस प्रकार है, किस तरह है, बहुत होशियार है, उन्हें पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है ना, हाँ। तो इस प्रकार आपको आपके नोटबुक पे लिखना है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो इसके बाद बारी आती है बोल बोल कर पढ़ो की। तो देखो यहाँ पे लगभग 20 शब्द दिए हुए हैं, कितने? 20 शब्द। तो इन 20 शब्दों को आपको क्या करना है? मात्रा कहाँ पे लगाई है ये अच्छे से देखकर ये शब्द आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है बोल बोल कर
पढ़ो। तो पहला शब्द है रेल। तो रेल शब्द में र के बाद ए की मात्रा, उसके बाद ल और रेल, यह शब्द तैयार होता है। आप सभी को दिखाई दे रहा है? अच्छे से दिखाई दे रहा है? हाँ। उसके बाद दूसरा शब्द है बैल। तो बैल शब्द पर, शब्द में ब के बाद ए की मात्रा आती है, ठीक है। तो ये जो शब्द है यह एक से लेकर आठ तक, ये जो शब्द है ये दो वर्णों के शब्द है। कितने वर्ण है इसमें? दो वर्ण है, रेल, बेल, तेल, बेर, बेला, केला, ठेला, मेला। हाँ, ये है जो शब्द है एक से लेकर आठ तक, ये दो वर्णों के ए के मात्रा के शब्द है। हाँ, और इस प्रकार आपको आपके नोटबुक पे अच्छे हैंडराइटिंग में, गुड हैंडराइटिंग में लिखने हैं। हाँ बच्चों, हाँ। उसके बाद बारी आती है तीन वर्णों के शब्दों की। अभी इसमें कितने वर्ण हैं? तीन वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? तीन। तो पढ़ो मेरे साथ, पहला शब्द कौन सा है? ठठेरा। हाँ। उसके बाद का शब्द है सपेरा। उसके बाद शब्द है लुटेरा। उसके बाद करेला, बेगम, रेशम, बेलन और गणेश। तो 9 से लेकर 16 शब्द तक सभी शब्द है तीन वर्णों के, और ये है एक ही मात्रा के शब्द, ठीक है बच्चों। ये भी शब्द आपको आपके नोटबुक पे गुड हैंडराइटिंग में लिखने हैं। हाँ, उसके बाद बारी आती है 17, 18, 19 और 20, इन चार शब्दों की। तो ये चार शब्द है, ये है चार वर्णों के, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यदि आप अच्छे से, आपको समझ में आ गया है कि हमें ए की मात्रा कहाँ पे लगानी है, तो ये काम, ये पढ़ाई बहुत ही आसान है ना। हाँ, तो पहले आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखो कि हमें ए की मात्रा किस प्रकार लगानी है, ठीक है। तो देखो, हमारा शब्द कौन सा है? पहले मेहनत। कौन सा शब्द है हमारा? मेहनत। तो मेहनत इस शब्द में म के ऊपर ए की मात्रा लगाई हुई है ना। हाँ, तो हम पहले लिखेंगे म, उसके बाद लिखेंगे ए की मात्रा, उसके बाद ह, उसके बाद न, और उसके बाद क्या लिखेंगे? तो हमारा शब्द बन जाएगा मेहनत। बहुत ही आसान है ना। हाँ, उसके बाद का शब्द है महादेव। महादेव, अभी देखो इस महादेव शब्द में ए की मात्रा कहाँ पे आई हुई है? द के ऊपर। तो फिर हम द के बाद ये मात्रा लिखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो मेहनत के बाद शब्द कौन सा है? महादेव। महादेव के बाद शब्द है सुखदेव, और उसके बाद का शब्द है बेमिसाल। तो बेमिसाल शब्द में देखो, अभी पहले हमने महादेव शब्द देखा था, तो महादेव शब्द और सुखदेव शब्द में द के ऊपर ही ए की मात्रा है ना। हाँ, लेकिन ये जो हमारा बेमिसाल शब्द है इसमें पहले ही ब के ऊपर मात्रा है। हाँ, तो हम ब के बाद यहाँ पे ए की मात्रा लिखेंगे। तो आपके समझ में आया है? हाँ, तो हमारे पहले दो वर्णों के शब्द है, उसके बाद तीन वर्णों के शब्द है, और उसके बाद आते हैं चार वर्णों के शब्द। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही आसान है ना। हाँ, तो इस प्रकार आपको ये अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, देखो किस प्रकार मैंने लिखे हुए हैं। हाँ, और ये कितने सारे शब्द है? ये 20 शब्द है। कितने सारे शब्द है? 20, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक की आपकी पढ़ाई हो गई होगी, आप अच्छे से करोगे।
धीरे धीरे करो, लेकिन समझ कर अच्छे से और गुड हैंड राइटिंग में करो, ठीक है। और लिखने के लिए आप इस्तेमाल करोगे पेंसिल का, और इरेजर का हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत होशियार है और उन सभी को क्या चाहिए, स्टार चाहिए। तो यदि आप अच्छे गुड हैंडराइटिंग में लिखोगे तो मैं आपको देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो किन बच्चों को चाहिए बड़ा स्टार? सभी को चाहिए। हाँ, तो बच्चों यहाँ तक हमारी पढ़ाई अभी हो चुकी है, तो अभी आप पेज इसको टर्न करो। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे, यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको इस पेज पे एक चित्र दिखाई देगा। सभी का ध्यान है किताब में? आपके पास किताबें है ना? हाँ, तो किताब में देखो पेज नंबर 46, पेज नंबर 46। पेज नंबर कौन सा हमारा है? 46। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चित्र है। ये किसका चित्र है आपको मालूम है? मालूम है, मुझे मालूम है आपको ये किसका चित्र है। हाँ, ये चित्र है मेले का। हाँ, यह मेला जो होता है इसका चित्र है। हाँ, तो मेला जो होता है इसको मराठी में क्या कहते हैं? जत्रा। हाँ, और हम फेस्टिवल जब मनाते हैं तो फेस्टिवल में जाते हैं ना हम सभी। हाँ, तो ये मेले का चित्र है। तो यहाँ पे देखो इस चित्र में क्या क्या दिखाया हुआ है। हाँ, यहाँ पे कुछ दुकानें लगाई हुई है, गुब्बारे वाला है, यहाँ पे मिठाइयाँ बेच रहे हैं, जूते बेचने वाला है आदमी, यहाँ पे आइसक्रीम कैंडी भी है, और यहाँ पे एक कौन है? जादूगर, यानी कि उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैजिशियन, जो जादू करता है। आपने कभी देखा है ये मैजिक शो? देखा है जादूगरी का खेल जो होता है, जादूगर जो जादू करके दिखाता है, वो आपने देखा है? हाँ, बहुत मज़ेदार होता है ना? हाँ, तो उस जादूगर की जो करतीबें होती है, वो किस प्रकार जादू करता है, वो हमें पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, लेकिन हमें बहुत वो अच्छा लगता है ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या है? जूते बेचने वाला आदमी है। हाँ, एक, और यहाँ पे मिठाइयाँ भी बेची जा रही है। आपको मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे भी मालूम है। और यहाँ पे क्या है? ये जॉइंट व्हील भी है। आप कभी बैठे हैं इसमें? हाँ, बहुत डर लगता है ना? हाँ, क्योंकि वो आकाश में ऊपर 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 जाता है। हाँ, तो यहाँ पे गुब्बारे वाला है, और इस गुब्बारे कितने सारे कलर के हैं, रंग के हैं गुब्बारे, देखो देखो। हाँ, बहुत सारे रंग के हैं। हाँ, और यहाँ पे आइसक्रीम बेची भी जा रही है। आइसक्रीम आपको अच्छी लगती है? हाँ, मुझे भी। और यहाँ पे ये जो है मैजिशियन है, मैजिशियन यानी कि जादूगर है, और दो बच्चे यहाँ पे खड़े रहकर ये जादू देख रहे हैं। हाँ बच्चों, तो इस प्रकार इस चित्र से हमें ये सब मालूम होता है। तो अभी हम कहानी पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, आप अभी अपनी उंगली कहाँ पे रखोगे? यहाँ पे रखोगे जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, और आप धीरे 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 पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगले साल आप किस कक्षा में जाने वाले हो? तीसरी कक्षा में जाने वाले हो, है ना? हाँ, तो आपको पढ़ना तो आना चाहिए। और हमारी हिंदी भाषा कैसी है? बहुत ही मीठी है और सीधी सादी है, अच्छी है ना? हाँ, तो आप अभी यहाँ पे उंगली रखो, ठीक है? हाँ, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दोगे। चलो, तो ये हमारी एक कहानी है। क्या है हमारी कहानी? तो हमारी कहानी का नाम क्या है? मेला देखा। हाँ, मेला देखा। दशहरे का मेला लगा। चाचा जी, नेहा, रेनू, रेखा, उमेश मेला देखने गए। नेहा ने जलेबी खाई, रेखा ने भेलपुरी,
उमेश ने केला खाया, रेनू ने पेड़े खरीदे, चाचा जी ने जूते खरीदे, सबने मेले में खेल तमाशे देखे, खूब भीड़ थी, ठेलम ठेल हो रही थी, जादू का खेल देखकर बहुत मज़ा आया। नेहा रेनू ने झूला झूला, उमेश ने बिजली की कार चलाई, मेला सबके ही मन भाया, खूब खाया पिया, खेले कूदे, मज़ा उड़ाया। तो यहाँ तक हमारी क्या है, ये कहानी है। तो मेला देखने कौन कौन गए थे? तो मेला देखने चाचा जी के साथ। हम अकेले जाते हैं क्या? छोटे बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे ही मेले देखने जाते हैं? नहीं, हम बड़ों के साथ जाते हैं। उसी प्रकार ये जो छोटे बच्चे हैं वो चाचा जी के साथ, अंकल के साथ गए थे। तो चाचा जी के साथ कौन कौन गया था? देखो, नेहा, रेनू, रेखा, उमेश, ये सारे बच्चे उनके चाचा जी के साथ मेला देखने गए थे। और ये मेला किसका था? ये मेला दशहरे का मेला था। दशहरे के उत्सव पे ये मेला लगा हुआ था, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया? तो देखो, नेहा ने जलेबी खाई, उसको जलेबी अच्छी लगती थी तो उसने जलेबी खा ली, ठीक है। उसके बाद उमेश ने क्या खाया? केला खाया, बनाना। हाँ, और चाचा जी ने क्या किए? जूते लिए, जूते खरीदे उन्होंने। हाँ, रेनू ने पेड़े खरीदे, उसने खाए नहीं, सिर्फ खरीद के रख दिए। और सबने मिलके खेल तमाशे देखे, यानी कि वहाँ पे कई प्रकार के खेल रहते हैं वो उन्होंने देख लिए। और मेला लगा था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, इसीलिए वहाँ पे क्या थी? बहुत सारी भीड़ थी, ठीक है। जादू का खेल देखकर बहुत मज़ा आया। इन बच्चों ने चाचा जी के साथ जादू का खेल भी देखा, ठीक है। नेहा रेनू ने झूला झूला, तो यहाँ पे अपने झूला का चित्र देखा है जिसको जॉइंट व्हील बोलते हैं, तो ये झूले पर भी बैठे थे। उमेश ने बिजली की कार चलाई, यानी कि वहाँ पे जो कार होती है वो बिजली के ऊपर घूमती रहती है, ऐसे गोल गोल गोल, आपने देखी है। हाँ, और आप बैठे हुए भी है उसमें, है ना? हाँ, तो उमेश ने क्या किया? बिजली के ऊपर चलने वाले कार में वो बैठ गया, ठीक है। उसने वो कार चलाई और सब ने मेले में बहुत खाया पिया, बहुत मौज मस्ती की, खेले कूदे, मज़ा उड़ाया। यानी कि इन सभी ने चाचा जी के साथ, रेनू, नेहा, रेखा, उमेश, इन सभी बच्चों ने क्या किया? बहुत मज़ा किया, ठीक है। तो जब हम मेले में जाते हैं तो बहुत क्या करते हैं? खेल कूद करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो आप जब स्कूल में आओगे तो आप मुझे बताओ कि आपने कौन कौन से मेले देखे हैं, आप किस मेले में गए थे, हाँ, मम्मी पापा के साथ, और आपने क्या क्या मज़ा उड़ाया, ठीक है। तो ये आप सब मुझको जब स्कूल में आओगे तो आप बताओगे ना? हाँ, तो आज हमने क्या किया है? आज हमने पाठ आठवां देखा, और पाठ आठवें में हमने ए की मात्रा की आज हमने पहचान की है। हमने पाठ आठवां देखा जिसमें ए की मात्रा की हमने क्या की है? पहचान की है। उसके बाद हमने हमारे जो व्यंजन हैं उनको ए की मात्रा लगाई, और छ से लेकर ज्ञ तक आपको ए की मात्रा घर पे लगानी है ना? हाँ, उसके बाद हमने देखा बोल बोल कर पढ़ो, इसमें हमने एक से लेकर 20 तक बहुत सारे शब्दों की पहचान की है, और इनको किस प्रकार लिखना है ये भी हमने देखा है ना? हाँ, तो इन 20 शब्दों में दो वर्ण के शब्द, तीन वर्ण के शब्द और चार वर्ण के शब्द है ना? हाँ, लेकिन डरने की
कोई बात नहीं, ये बहुत ही आसान है, है ना बच्चों? हाँ, तो इसके बाद हमने ये बोल बोल कर पढ़ो ये शब्द होने के बाद हमने आज क्या देखा, एक कहानी देखी जिसका नाम था मेला देखा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, यही इतनी ही पढ़ाई आज हम करेंगे, इसके बाद की पढ़ाई हम बाद में करेंगे। ठीक है, आप सभी घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और सुरक्षित रहो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।